देखो फिर ये बैठा हुआ है गाड़ी पे। तो गाड़ी का तो हो गया काम डन, तो राउटर का भी तो कनेक्शन हो गया है डन। ये देखो ये यही मेरी गाड़ी में बैठता है, देखो जा रहा है, देख के गया भी है। आ तो कंप्यूटर मार्केट ऐसे मत फेंको, क्योंकि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो किसी को मम्मी अनबॉक्सिंग कर रही है। ये देखो फिर सोया हुआ है। Hey everyone, welcome रणधीर राठौर व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो आज करते हैं फिर से काम, क्योंकि कल बताया था ना गाड़ी का करना, तो सबसे पहले वो करेंगे गाड़ी का काम, बैटरी का, क्योंकि इतना उसने दुखी करके रख दिया ना। पापा बार बार जाते हैं, पापा कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उसका करता हूँ आज सारा बैटरी चेंज, दोनों गाड़ियाँ करवाएंगे, फिर गाड़ी हो जाएगी मेरी रेडी। तो चलते पहले करवाते हैं गाड़ी का काम, देते हैं गाड़ी को रोटी। लो भाई गाड़ी देखो फिर ये बैठा हुआ है गाड़ी पे, ठीक रहे? हाँ भाई चलो चलो जाओ, गाड़ी है मेरी, चलो। कितने आराम से जा रहा है, ठीक है। इसको स्टार्ट करके देखे तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, देखो लाइट ही नहीं आ रही, चाबी दे दी है मैंने फुल, देखो गाड़ी नहीं हो रही ना स्टार्ट, चाबी दी। ये बैटरी अर्टिगा की खोलते हैं अभी से, बाकी ये मैंने जुगाड़ सिस्टम बनवाया था, क्योंकि बैटरी मेरी चोरी हो जाती थी ना गाड़ी से, तो ये जुगाड़ सिस्टम बनवाया था। खोलता हूँ इसे फिर इसको ले चलते हैं, इसको चेंज करवा के नई बैटरी तो खुल गई है, इसको उठाते हैं अभी, इसको ले चलते हैं सिटी में। इसमें बैटरी कहाँ गई भाई, आ जा अब चलते हैं शॉप पे। हुआ ये था कि पापा गए थे होंडा सिटी लेके, तो होंडा सिटी में पापा गैस डलवाए, तो गाड़ी वहीं पे हो गई बंद और स्टार्ट हुई नहीं, तो दो तीन बार सेल्फ लिया तो गाड़ी की बैटरी हो गई डाउन। पापा ने फोन किया कि अर्टिगा लेके आओ, गाड़ी में टॉर्चर करके जो स्टार्ट की थी, आपने एक और बार वो वीडियो देखना जिसमें मैंने गाड़ी स्टार्ट की थी, मैं आई बटन में दे दूंगा, आ रहा होगा आप चेक कर लेना। तो फिर मैं अर्टिगा लेके अर्टिगा की बैटरी में, फिर मैंने वायर मुझे मिला नहीं टॉर्चर, तो मैंने बैटरी खोली और सिटी स्टार्ट करी, तो सिटी तो स्टार्ट हो गई लेकिन अर्टिगा फिर स्टार्ट नहीं हो रही है। तो फिर अर्टिगा में फिर इसकी बैटरी थोड़ी देर में चार्ज हुई, अल्टरनेटर चार्ज करी, फिर मैंने वायर वाला लाके मिला, फिर मुझे वायर पीछे रखा हुआ था, फिर वायर मैंने अर्टिगा में अर्टिगा स्टार्ट करी, फिर अर्टिगा धक्का वक्का मार के किसी तरह स्टार्ट स्टार्ट करी गाड़ी, फिर गाड़ी को लेकर आए, फिर गाड़ी बीच रस्ते में मतलब कि जहाँ पार्किंग करता वहाँ पर होगी फिर से बंद, फिर गाड़ी की धक्का वक्का मार के पापा मैंने लगा दी गाड़ी। फिर अब मैं जा रहा हूँ बैटरी लेने, क्योंकि अर्टिगा की बैटरी वो तो हो गई पूरी डाउन, क्योंकि वो तो चार्ज हुई नहीं, पाँच दस मिनट मैंने गाड़ी चलाया हुई तो वो तो चार्ज हुई नहीं, तो बाकी सिटी की तो बैटरी चार्ज है, तो मैं एक काम करूंगा कि न्यू बैटरी तो लेके आऊँ वो लगा दूंगा सिटी में, ताकि ये दिक्कत नहीं है ऑटोमेटिक गाड़ी, और जो सिटी की बैटरी है वो है ठीक, तो वो लगा दूंगा मैं अर्टिगा में, ताकि अर्टिगा में बैटरी डाउन भी होती है तो धक्का मार के स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी पावर डाउन होती है, ताकि उससे थोड़ी सी पावर डाउन होने में सिटी स्टार्ट नहीं होती और अर्टिगा स्टार्ट होती है, धक्का बैटरी किसमें डालता हूं जो सिटी की बैटरी का वो अर्टिगा में डालता हूं। ये अर्टिगा की बैटरी इसको करते हैं रिप्लेस और इसके बदले लेते हैं न्यू बैटरी। तो आगे बैटरी शॉप पे चलते हैं। शॉप पे क्या नाम है आपका? AK ट्रेडर्स। तो हम भाई कौन सी बैटरी की होंडा सिटी चाहिए, 2009 मॉडल की। होंडा सिटी में दो मॉडल है, ठीक है, एक तो दो साल गारंटी 20 महीने वारंटी में है, ठीक है, ये पुरानी ये पड़ती है आपको पुरानी एक्सचेंज करने का 2600 रुपए की, ठीक है, और एक टॉप मॉडल है 55 महीने में, ठीक है, इसमें 2.5 साल की गारंटी 25 महीने की वारंटी है, तो ठीक है, तो पड़ती है, तो मुझे यही दे दो 55 मॉडल वाली, ये पड़ेगी आपको लेस करना 3000 टॉप मॉडल आफ्टर लेस। अच्छा ये एक साइड की मतलब टॉप मॉडल की बैटरी है ना, सबसे टॉप मॉडल, ठीक है, एक साइड माइलेज है, ठीक है, तो भैया यही दे दो मुझे, ठीक है। इसकी वारंटी वगैरह 55 मंथ की, 55 महीने में 30 मंथ तक की रिप्लेसमेंट होगी, ठीक है, आगे जो 25 महीने डिस्काउंट है वो प्रोराटा बेस पे है क्वार्टरली। अच्छा, और ये मतलब जो इशू वगैरह काउंटर रिप्लेसमेंट मिल जाएगी? काउंटर रिप्लेसमेंट ऑन सेट दोनों है, ठीक है, खराब होनी चाहिए, लेकिन अगर डाउन होगी तो फिर नहीं पता ना, खराब है और डाउन है तो एक दिन के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, काउंटर में ही होगा जो सॉल्यूशन होगा, कहीं जाना नहीं है आपको। हाँ, अगर बैटरी डाउन होगी तो सर्विस बैटरी मिलेगी चलाने के लिए, ठीक है, अगर फेल होगी तो नहीं मिलेगी, काउंटर में ही सब काम होगा, नहीं जाना, ठीक है, फिर ये मेरा कर दो, ये वाला, हाँ, ये वाला दे दो, एक साइड में ये लग जाएगी ना सिटी में, दिक्कत नहीं, चेक करो चेक करो, और ये साइज वगैरह मैंने तो ले ली भैया से, थैंक यू साइड की माइलेज की, क्योंकि ये सही है, मैं बाकी बताऊंगा मैंने एमरोन की क्यों नहीं ली है, तो चलते हैं इसको लगाएंगे, फिर बैटरी दे दी नई बैटरी उठा ली, तो गाड़ी तो कर दी खड़ी, न्यू बैटरी रेडी है और अपनी होंडा सिटी मैंने लगा दी है खड़ी, अब खोलते हैं इसका बोनट और लगाते हैं इसकी बैटरी। तो ये रहा इसका बैटरी, इसे ही मैंने बनवा रखा क्योंकि बैटरी ने, खोलते हैं फिर मैं आपको
नई बैटरी लगा, तो उसकी बैटरी तो खुल गई है, इसको लग देते हैं नीचे, इसको लगाएंगे अर्टिका में और लगाते हैं अपनी एक साइड की बैटरी, तो इसका ये माइये हटा देंगे। ये कैसे लग? अच्छा ये ऐसे लग जाएगी, अच्छा हाँ ये ऐसे बैटरी तो लग गई है। अब इसको रखते हैं गाड़ी में, बाकी सब सामान रख के चलते हैं अर्टिका में लगाएंगे अब ये वाली बैटरी। ये देखो फिर से जगह, हाँ भाई चल जा, चल जल्दी जा, मैंने गद्दे लगवा दूँ हैं, गद्दे लगवा दूँ। अर्टिका में लगाएंगे बैटरी, चलो उसको रखो फिर, तो लगाते हैं इसमें बैटरी, चलो लगा दी इसमें भी हमने बैटरी। ये सीडी की बैटरी का, और जो सीडी में लगी है ना वो उसमें न्यू बैटरी लगी है। इससे अर्टिका स्टार्ट होती है कि नहीं होती, और गाड़ी हो गई स्टार्ट, मतलब कि सीटी की बैटरी किस में, सीटी में जो नई बैटरी लगी है वो तो मैंने आपको दिखाया नहीं, उसका भी दिखा देता हूँ आपको, होगी ना गाड़ी स्टार्ट। तो ये इसकी बैटरी तो हो गया काम डन, दोनों में बैटरी लग गई है। सीटी की बैटरी मैंने इसमें लगा दी क्योंकि वो बैटरी ठीक है, थोड़ी सी वीक हो जाती तो वो स्टार्ट नहीं होती क्योंकि सीटी ऑटोमेटिक है, और इसमें इसलिए लगा दी है क्योंकि अगर इसमें से थोड़ी सी डाउन होगी भी ना तो ये धक्का मार के स्टार्ट हो जाएगी, तो इसकी बैटरी मैंने इसमें लगा दी। वैसे वो बैटरी ठीक ही है, कभी कभी उसमें पावरफुल क्या क्या सिस्टम जो भी है तो उसमें लगे नई बैटरी उसका प्रॉब्लम सॉल्व, इसमें लगे सीटी की बैटरी तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व। अब चलते हैं कंप्यूटर मार्केट, लेंगे वायर जो कल मैंने घर नापा था ना 30 मीटर वायर लेंगे, और राउटर लेके आना मुझे इंटरनेट के लिए ताकि नीचे राउटर लग जाए तो आ जाएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर मार्केट। ये ना मेरी गाड़ी पे चढ़ता, अब इस पे बैठता है, तो गाड़ी कर दी है पार्क, चलते हैं कंप्यूटर मार्केट। ये 830 का है, 830 का ना भैया, हमारे कंप्यूटर मार्केट में आता तो इन्हीं से सारा सामान लेता ना भैया, भैया मुझे पहचान लेते हैं भाई, सही डिस्काउंट देते हैं भैया। शॉप नंबर बता दो, 38 कंप्यूटर मार्केट रातू पैलेस ना भाई, आ जाना भैया, एकदम सही प्राइस में जेन्युइन चीज देते हैं, बाकी मेरा दे दो मैं चलो फिर। मेरी भैया की शॉप, सारा सामान है भैया का, आना। मार्केट से भी ले आया मैं वायर 30 मीटर और टेंडा का ये राउटर, तो चलते हैं अब इसे घर में करेंगे सेटअप और चलते हैं अब घर। एमरोन की बैटरी एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मैंने इससे पहले 2 एमरोन की बैटरी ली थी, तो उसकी जो वारंटी जितने मंथ की होती है, जितने मंथ की यानी 44 मंथ या 12 मंथ या 18 मंथ जो भी होती है उतने ही मंथ चलती है, वो एक मंथ नहीं चल जाए, एक महीने एक्स्ट्रा ना चल जाए ऐसे, तभी मैंने इस बार सोचा इस बार एक्साइड लेंगे, एक्साइड के लगा के देखते हैं। ये एक्साइड कैसे टॉप मॉडल है, एक्साइड माइलेज करके टॉप मॉडल आती है, 55 मंथ की वारंटी है, देखते हैं कितना देर चलती है। बाकी एमरोन में तो भाई पहले मैं एमरोन ही पसंद करता था लेकिन अब नहीं, एक्साइड देखते हैं पार्क। अब उठाते हैं सारा सामान और निकलते हैं घर। यही मेरी गाड़ी में बैठा है, देख के गया भी है, देखो इसकी भी छत इसने पिचका दी है, कितने स्क्रैचेस मारे थे, मिल जाएगा जिस दिन इसको मैं अभी तोड़ता हूँ। रुको ये कपड़ा मारने वाला आ नहीं रहा गाड़ी, लेकिन धुलवाता हूँ गाड़ी। हो चुका है 3:27 और सारा वायर का काम हो चुका है, बाकी राउटर और वायर आ चुका, वो खाना खा के मैं इंस्टॉल कर लूंगा, बाकी मम्मी से लेते हैं खाना। मम्मी खाना क्या बनाई है? अच्छा और ये खाना हमारा लग गया, मम्मी खाता हूँ खाना, ठीक चल जाए मस्त। आज होगा अनबॉक्सिंग, और कौन करेगा अनबॉक्सिंग? मम्मी करेगी, और वो भी किसका? राउटर का। करते हैं भाई, YouTube की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा किसी को मम्मी अनबॉक्सिंग कर रही है। देखो मम्मी राउटर का अनबॉक्सिंग कर रही है, बाकी मम्मी से करवाएंगे एक दिन कोई तगड़ा वाला अनबॉक्सिंग। हो गया मम्मी, निकालो मम्मी इसको फटाफट। तो ये रहा हमारा टिंडा का राउटर, और ये इसका वही चार्जर वगैरह जो होता पावर का सप्लाई, बस यही है, और इसकी वायर जो केबल में लग, जो आपके सिस्टम में लग जाएगी बस। कितनी अच्छी अनबॉक्सिंग थी। अब चलते हैं छत पे और खिंचवाते हैं वायर, जो भैया का राउटर है वहाँ से। वायर तो लग गई है, बिल्कुल खींच रहे थे यहाँ पे यार, ये तार उलझ गया। मम्मी ले वायर पकड़, नीचे घर में घुसे लियो ठीक है ना, क्योंकि वायर तो आ गई है। मैं एक चीज बताऊं, ये देखो पूरा मैंने 30 मीटर तार लाया था, पूरा 30 मीटर ही यहाँ पे आके रुका है, देख लो ना, तार बड़ी भी ना छोटी भी ना मैंने कहीं फोल्ड किया। ये देखो यहाँ पे ना पूरा यहाँ से आया, ये देखो ये पूरा वहाँ से खींचा है, पूरा ऊपर तक खींचा है, और कहीं नहीं छोटी भी। तो इससे क्या समझे, किसी को भी अपना घर नपाना हो ना भाई को कांटेक्ट करना, भाई एकदम परफेक्ट तरीके से नापता, देखो ना बड़ी ना छोटी। यहाँ पे ये टीवी का है, और यहाँ पे लग जाएगा हमारा राउटर, तो मैं लगाता हूँ देखो
देखा लग गया ना वॉरन, ये देखो राउटर का तो कनेक्शन हो गया है डन। अब चलते हैं शॉप पे और एक चीज मैं लाता हूँ, अगर वो चीज मिल गई ना मुझे तो कल की वीडियो होने वाली बड़ी कचप। तो वीडियो का अलग लेवल का ये लेवल हो जा रहा है। 6:25 और टाइम हो चुका है कॉफी बज चुके हैं कितने बताऊं, ये देखो देख लिए। अब खाते हैं खाना, मम्मी लगा दो खाना, लगा चावल, चावल दाल पकौड़ा मिर्ची पकौड़ा आलू चोखा। हाँ समझ आ रहा है। 9:45 अब मैं जा रहा हूँ ऊपर एडिटिंग करने ताकि कल आपको 9 बजे व्लॉग मिल जाए। और करता हूँ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। और मम्मी खा रही है खाना, मैंने खाना खा लिया और हम जब सो जाएंगे एडिटिंग करके तो आप सबको शुभ रात्रि और बाय बाय। खाना खा लेना।